करते हैं। बेसिक और माध्यमिक स्कूलों को खोलने की तैयारी की जा रही है। 1 जुलाई से बेसिक और अपर प्राइमरी स्कूल खोले जा सकेंगे। स्कूल 30 जून तक बंद रहेंगे। 1 जुलाई से शिक्षकों को स्कूल आना होगा। 100% बच्चों का विद्यालयों में नामांकन होगा। ई पाठशाला का संचालन किया जाएगा। मिड डे मील किताबों का वितरण भी होगा इस दौरान। ये बड़ी तैयारी की जा रही है सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से। 1 जुलाई से माध्यमिक स्कूलों को खोलने की तैयारी की जा रही है। बेसिक और माध्यमिक स्कूलों का संचालन 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा। 30 जून तक फिलहाल सभी स्कूल बंद रहेंगे और 1 जुलाई से शिक्षकों को स्कूल आना होगा। 100% बच्चों का विद्यालयों में नामांकन होगा और ई पाठशाला का संचालन भी किया जाएगा। इस दौरान मिड डे मील और किताबों का वितरण भी होगा। और लखनऊ से हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या जानकारी इस खबर के बारे में आपके पास? निश्चित रूप से अगर बात करें तो 1 जुलाई से जहां प्राथमिक विद्यालयों को खोलने की बात सामने आई है, ऐसे में बच्चों को अगर आपको भी पढ़ाई में डाउट्स आते हैं तो आप उसे इजिली डाउटनेट ऐप के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं। आप बस क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और ऐप में अपलोड करो। आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन ऐप में 5 सेकंड के अंदर मिल जाएगा। फिर चाहे वो क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, CBSE, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP और अदर स्टेट बोर्ड्स का हो, फिर या तो वो क्लास 6 से 12 तक का क्वेश्चन हो या IIT, JEE मेंस और एडवांस नीट का क्वेश्चन हो, आपके हर सवाल का जवाब है डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही हैं इंडिया की डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में, जहां आपको सारा कोर्स पढ़ाया जाएगा। तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप और इस कोर्स का हिस्सा बनिए। यहाँ पर पूरी तरीके से प्रवेश उनका बंद रहेगा और शिक्षक 1 जुलाई से आएंगे। ऐसे में ई पाठशाला के माध्यम से साथ ही साथ में जो मिड डे मील था और कोरोना लॉकडाउन के समय में जो बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल पाया था, उसकी जो धनराशि थी वो उनके अभिभावकों के खाते में जानी है। ऐसे में निश्चित रूप से अगर बात करें, इस समय हम राजधानी लखनऊ के बख्शी के तालाब के प्राथमिक विद्यालय नंदना में हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से इस पाठशाला का निर्माण किया जा रहा था, बीच में उसको बंद कर दिया गया था। ऐसे में अब इसको गति मिलेगी और साथ ही साथ में जो लोग हैं जो यहां पर, फिर से उसको काम कराना होगा और शिक्षकों को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि सभी तैयारियां यहां पर पूरी की जा सके। ऐसे में 1 जुलाई से जहां ये पाठशालाओं में सभी शिक्षकों को इस बात को भी सुनिश्चित करना पड़ेगा, क्षेत्र के आसपास के जो बच्चे हैं वो सर्व शिक्षा अभियान के तहत विद्यालय में आए, उनके प्रवेश मिल सके। साथ ही साथ जो ई पाठशाला के माध्यम से उनको यहां पर जोड़ा जा सके, खाद्यान्न वितरण को लेकर के पाठ्यपुस्तक वितरण, साथ ही साथ बैग और उनकी ड्रेसेस का जो वितरण है नए सत्र को लेते हुए, उसको भी यहाँ पे पूरी तरीके से सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उनको दी गई है। साथ ही साथ में उनको जो प्रशासनिक कार्य हैं उनको लेकर के भी जो उनके वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके उस पर आने की भी पूरी तरीके से उस पर जो है पूरी तरीके से उनको छूट दी गई है। लेकिन जो बड़ी बात है, बच्चों का प्रवेश पूरी तरीके से अभी यहाँ पर नहीं होगा, बच्चों को यहाँ पर नहीं बुलाया जाएगा। साथ ही साथ ये बात जरूर सुनिश्चित की जाएगी कि बच्चों को जो भी जरूरी चीज़ें हैं उनकी, चाहे उनका बैग, बस्ता, ड्रेस है, वो उनको समय से यहाँ मिल सके और साथ ही साथ जो आसपास के क्षेत्र के बच्चे हैं उनका यहाँ पर एडमिशन पूरी तरीके से हो सके, यह बात यहां सुनिश्चित करनी होगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।